नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक और आप हमारे यूट्यूब चैनल ट्विटर पर आए थे। दोस्तों, ये चल रही है हमारी वेबसाइट डिजाइनिंग के ऊपर एक सीरीज, जिसके अंदर के लास्ट के वीडियोस में हमने देखे थे। जिस पहला वीडियो था हमारा, उसमें हमने देखा कि HTML के टैग्स के बेसिक स्ट्रक्चर क्या होते हैं। उसके बाद दूसरे वीडियो में हमने पैराग्राफ, बोल्ड, इटैलिक, फॉन्ट, इन टैग्स के बारे में देखा था। जैसे कि लास्ट वीडियो मैंने आपको यहाँ तक ये चीज़ें बताई थी। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हेडिंग टैग्स के बारे में, कि HTML के अंदर हेडिंग टैग्स कौन कौन से होते हैं और इसका यूज किस तरह से कहाँ पे करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको एक हेडिंग समझा दूँ। हेडिंग बेसिकली आप हेडिंग को इस तरह से काउंट कर सकते हैं, जैसे किसी भी स्टोरी का एक टाइटल होता है। ये जैसे आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई पिक्चर रिलीज होती है तो उस पिक्चर का एक नाम होता है, तो वो नाम केवल एक ही बार पोस्टर पे यूज होता है। अगर कोई भी आप पिक्चर का पोस्टर देखेंगे तो नाम एक ही बार होता है और वो सबसे बड़े में होता है। उसके बाद दूसरी जगह पे उसके कौन कौन से एक्टर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं उसके डिस्क्रिप्शन होते हैं, फिर उसके नीचे कुछ और उसी चीजें लिखी जाती है। तो कहने का सेंस ये है कि हेडिंग एक तरह से ओवरऑल चीजें बताने के लिए होती है कि मेन हम कहना क्या चाहते हैं, जो मेन पॉइंट है कहने का उसको हम एज ए हेडिंग में रखते हैं। जैसे कि मैं पिक्चर की पोस्टर्स की बात कर रहा हूँ, तो उसके अंदर क्या होता है कि एक बार पिक्चर का नाम लिखा रहता है, उसके बाद उसके कुछ जो एक्टर्स होते हैं या जो उसमें रोल करता है उसका नाम लिखा रहता है, और फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन होता है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सबसे ज्यादा बोल्ड में जो पिक्चर का नाम दिखाई देता है उसकी जगह पे वहाँ पे ये दिखाई दे इसमें कौन कौन से एक्टर्स काम करते हैं, और उसके बाद दिखाई दे पिक्चर का नाम? तो आप ही सोचिए कि कितना अजीब सा लगेगा, कोई भी इसको जल्दी रीड नहीं करना चाहेगा। क्योंकि जो चीजें पहले नंबर पे लिखी जाएगी वो पहले नंबर के लिए ही होगी, दूसरे पे आप लिखेंगे तो वो चीजें लिख तो सकते हैं आप, इच्छा है आपकी, आप जो मर्जी वो लिख सकते हैं, लेकिन वो यूजर को भी अच्छा होना चाहिए और वो यूजर को कहीं से भी पसंद नहीं आए। तो हेडिंग टैग एक हेडिंग के जगह पे लिखी जाती है, और हेडिंग का यूज बेसिकली किसी भी पैराग्राफ को या कुछ भी चीजें अगर आप लिखते हैं तो उसका एक समरी क्या, मतलब हेडलाइन क्या होनी चाहिए उसको हम बोलते हैं। तो HTML के अंदर हेडिंग टैग जो होते हैं वो 6 तरह के होते हैं। तो हेडिंग के लिए हम यहाँ पे जो टैग लिखेंगे वो H लिखेंगे, और 1 से लेकर 6 तक होता है तो हम H1 लिखेंगे, और इसको हम साथ साथ क्लोज भी कर देंगे। तो जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, मान लीजिए मैंने ये लिखा है हेडिंग, और इसको अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, तो आप यहाँ देखेंगे डायलॉग में। इसके बाद मैं फिर इसका फिजिकल भी इसे हटा दूँ, जैसे कलर ब्लैक, ये देख एक तरह का हेडिंग होगी। अब इसके नीचे आप पैराग्राफ लिख सकते हो, या फिर जैसे ये हो गया, एक मैंने पैराग्राफ लिख लिया, दूसरा पैराग्राफ H2 में देता हूँ, दिल्ली कैपिटल। तो हम इसको भी एक नंबर पे लिख सकते थे, लेकिन वो चीजें कहीं नहीं ज्यादा इम्पैक्ट करेगी। जैसे अगर मैं एक सेंस में लिखू, तो ये उससे छोटा आ गया। तो H1 सबसे बड़ा होता है, H2 जो होता है वो उससे छोटा होता है, और उससे भी छोटा H3 होता है।
कुछ भी आप एक्सरसाइज लिख सकते हैं, मैंने लिख लिया है। देखिए इसे छोटा हो गया, सबसे छोटा आपको एच सी दिखेगा, इससे बड़ा एच फाइव, फिर एच टू, एच थ्री, एच टू और एच। तो एच इन छह हेडिंग का आप यूज कर सकते हैं, लेकिन एक जब कोई भी आप वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट के अंदर मल्टीपल पेजेज हैं। इसमें आप देखेंगे तो अबाउट अस पेज है, होम पेज है, प्रोजेक्ट का है, ब्लॉग है, कॉन्टेक्ट है, या सर्विस में काफी सारे पेजेज हैं। तो एक वेबसाइट के अंदर मल्टीपल पेजेज बनाए जाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे ये एक होम पेज है, तो पूरे एक पेज में काफी जगह पे कंटेंट्स लिखे हुए। तो आप कोशिश ये कीजिएगा कि एक पेज में, मैं एक वेबसाइट की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं वेबसाइट के एक पर्टिकुलर पेज में कह रहा हूँ, एक पेज के अंदर आप H1 टैग का यूज एक ही बार कीजिएगा, क्योंकि ये एक रूल काइंड ऑफ आप कह सकते हैं। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो वेबसाइट होता है वो एरर फ्री माना जाता है। अगर आप मल्टीपल टाइम्स करेंगे तो जब ये वेबसाइट का कल के डेट में प्रमोशन होगा तो वहां पे कहीं ना कहीं दिक्कत क्रिएट होगी। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक पेज में एक ही बार एच वन टैग लिखें। एच टू आप 5 to 6 टाइम्स लिख सकते हैं, एच थ्री भी आप लिख सकते हैं, लेकिन एच फोर एच फाइव आप चाहे जितनी बार लिख सकते हैं, लेकिन उतना बार लिखा नहीं जाता एक पेज के अंदर। मुश्किल से हम लोग S3 तक जाते हैं जब कोई वेबसाइट या कोई इस तरह का चीज़ें बनाते हैं, ब्लॉगिंग की पोर्टल बनाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग H1 का यूज एक बार करते हैं और H2 का 3 से 4 बार करते हैं। वैसे रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, बट H1 आपको एक पेज में एक ही बार लिखना है, ये चीज़ आपको ध्यान। इसके बाद H1 और H2, H3, H4 और H5 और H6, ये 6 तरह के HTML में हेडिंग्स टैग्स होते हैं। जैसे आप इसका फॉन्ट साइज देख रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट इसका फॉन्ट साइज है 44 पिक्सल के आसपास है। इसका भी अपना एक फिक्स साइज होता है, आप इसको देख लेना। और फिर हम आगे फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।